अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओप्पो का पहला फोन 25,000 की प्राइस में ओप्पो A53 वाला मिल जाता था आपको स्नैपड्रैगन 460 वाले चिपसेट के साथ। अभी लेटेस्ट ओप्पो ने अपना फोन पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है ऑफलाइन मार्केट में बिना किसी खबर को लीक किए, ओप्पो A15s वाला। इसमें जो चिपसेट है वो ऐसा है कि सैमसंग ने जो अभी फोन लॉन्च किया था बेकार किस्म का आपको मैं कहूंगा, यानी जो आप पैसे दे रहे हैं उस तरह की आपको परफॉर्मेंस इसमें नहीं मिलने वाली। तो फुल डिटेल आपको देता हूँ ओप्पो A15s के बारे में, कैसा फोन है, कैमरे कैसे हैं, बैटरी आपको किस तरह की मिलेगी, अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो ये वाला फोन काफी स्लीक है वैसे देखने को, बजट रेंज के अंदर 7.9 mm थिकनेस पे है और 177 ग्राम इसका वेट है। प्लास्टिक का फ्रेम है इधर, आपको बैक भी प्लास्टिक की मिलती है, फ्रंट पे ग्रिला ग्लास की सपोर्ट है। एलसीडी वाला इसमें डिस्प्ले है 6.52 इंच का 720p रेजोल्यूशन के साथ, 480 निट्स तक इसमें आप ब्राइटनेस कर सकते हैं। एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें और मीडिया टेक P35 वाला चिपसेट है जो कि 20,000 में भी कोई लेना पसंद नहीं करता, जो कि आपको 25,000 की प्राइस में दिया जा रहा है। तो परफॉर्मेंस इसकी बेसिक सी है, 2020 के अंदर तो चले माना ठीक था, लेकिन 2021 में भी जे वाला चिपसेट मुझे तो समझ नहीं आ रही, आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं मिलेगी। अगर आप मजीद पैसे ऐड करें या इसी प्राइस रेंज में कोई भी और ब्रांड का फोन लें तो आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, खासतौर पर पोको वाले जो फोन आपको पाकिस्तान में मिल रहे हैं और रियलमी के फोन भी आपको इस रेंज में मिल जाते हैं जो कि ओप्पो का ही सब ब्रांड है। इसमें 4GB रैम है, 64GB की स्टोरेज है जो कि EMMC 5.1 वाली है, LPDDR4X वाली इसमें रैम है। बैक पे 3 कैमरे हैं, 13 MP का मेन है और 2 MP का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर है। 1080p में आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 8 MP की सेल्फी है, सिंगल स्पीकर है इसमें, Wi-Fi 4 है और ब्लूटूथ 5.0 वाला है, मैक्रो USB वाला चार्जर है 25,000 में, जबकि इस रेंज में आपको टाइप सी वाले चार्जर मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पे लगाया गया है और जायरोस्कोप की सपोर्ट इसमें नहीं है। 4230 mAh की बैटरी और 10 W का चार्जर है। जितने भी फोन ओप्पो ने 20,000 से 25,000 में लेटेस्ट लॉन्च किए हैं यही चिपसेट है और बैटरी भी यही दिए जा रहा है, 5,000 mAh की बैटरी, 6,000 mAh की बैटरी अभी तो आम चल रही है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ओप्पो की अपनी है। बैटरी की टाइमिंग का चलें आपको नॉर्मल सा फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तब तो आपको फर्क नहीं लगेगा। अगर आप गेमिंग करते हैं थोड़ी बहुत या कैमरा खास तौर पर यूज करते हैं आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। तो इमेज प्रोसेसिंग भी एक चीज होती है, तो इस वाले चिपसेट में आपको बेसिक सी इमेजेस और वीडियोस रिकॉर्डिंग करने का फिर ऑप्शन मिलता है। तो ओवरऑल मेरा ओपिनियन है इस फोन के बारे में कि आप इस फोन को मत बाय करें, जबकि ओप्पो का अपना ही फोन इस रेंज में आपको मिल जाता है ओप्पो A53 वाला, वो इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, उसको आप ले सकते हैं। जहां रियलमी ओप्पो का सब ब्रांड है उसके फोन चेक कर सकते हैं। तो आप इस फोन के बारे में क्या अपना ओपिनियन देंगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।